तो अभी हम पटना में है और चुनावी चर्चा को लेकर हम पटना में हमारे साथ जो है कांग्रेस से हीरा सिंह बग्गा जी हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिर जो है इस बार कांग्रेस अपना जो मैनिफेस्टो लाई है उनमें किन किन मुद्दों पर बात रखा गया है। बहुत बहुत स्वागत है आपका, तहे दिल से स्वागत है। कांग्रेस जो इस बार मैनिफेस्टो लाई है वो किन किन मुद्दों पर है और उसमें जो है महिलाओं को, बच्चों को, जो युवा जो बेरोजगार है उन लोगों के लिए क्या सोची है? कांग्रेस जो मैनिफेस्टो लाई है, 10 साल से जो गुंगी बहरी सरकार चल रही है, 10 साल से झूठ की बदौलत सरकार बनी है, जो धर्म के नाम से सरकार बनी, जो युवाओं को ठगने का काम किया, जो महिलाओं को गुमराह करने का काम किया, हर वर्ग को ठगने का काम किया, देश की 140 करोड़ लोगों को गुमराह करने का काम किया, कांग्रेस के खिलाफ अपना 5 न्याय मैनिफेस्टो गारंटी कार्ड लाई है। 5 न्याय ऐसे जो देश आज चल रहा है युवाओं के चलते, महिलाओं के लिए, उनके लिए, हर वर्ग के लिए कांग्रेस ने मैनिफेस्टो लिया है। सिर्फ एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, हर वर्ग के लिए। मोदी जी तो कह रहे हैं कि ये जो है मुस्लिम के लिए मैनिफेस्टो है। ऐसा है ना मोदी जी, तो अभी मैंने क्या कहा आपको, जो धर्म के नाम से वोट ली, जो लोगों को गुमराह की, हिंदू भाई को, जो आप सनातनी के नाम से, धर्म से नाम से जो बोल दिए कि आपको जाके मुस्लिम का है, मैं पूछना चाहता हूं क्या 1 लाख वेतन शिक्षित युवा पहली नौकरी, क्या खाली इसमें मुस्लिम भाई है क्या? आप बताइए ना, ये कांग्रेस का गारंटी कार्ड है, 5 न्याय गारंटी कार्ड। सत्ता में यूपीए की गवर्नमेंट आएगी, पहली कैबिनेट में पास होगा, आज डेट नोट कर लीजिए, आपके सामने अब जो देश का चौथा स्तंभ है, जब सरकार आएगी हमसे पूछ भी सकते हैं कि सराजी आपने हीरा जी कहा था, ये पहले कैबिनेट की में होगा, 5 न्याय गारंटी कार्ड, हर 1 लाख वेतन, हर शिक्षित युवाओं की पहली नौकरी पक्की, युवा न्याय, युवा जिनको मोदी जी ने ठगा 10 साल पहले, जिन्होंने कहा युवाओं को बदौलत सरकार बनाई, जिन्होंने कहा है युवाओं को, कहा सुनो 2 करोड़ रोजगार देंगे, युवाओं को नौकरी देंगे 2 करोड़ प्रति वर्ष, जो अपने आप को उपेक्षित, मतलब समझिए अपने आप को एकदम ठगा महसूस कर रहे हैं, आज वो ठगा महसूस कर रहे हैं अपने आप को, वो उनके लिए न्याय, ये युवा न्याय है। अब आज ये नारी न्याय, जो अपना घर गृहिणी, अपना घर संजो के चलाती है, पैसे बचा के किसी तरह घर चलाती है, जो 400 रुपए सिलेंडर था, देश के प्रधानमंत्री सत्ता आने के बाद तुरंत उसको 100 रुपया 200 रुपया 100 रुपया करते 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 वो 1200 रुपये ले आए, जिनका पैसा नोटबंदी में पैसा निकलवाया गया, जो अपना पैसा लाइन पे लग के पैसा लिए हैं, जिनके घर में शादियां थी, जिनके कोई बीमार था, क्या देश का ऐसा कोई बताइए बड़ा उद्योगपति जो लाइन में लगा हो? आप बता दीजिए, आप देश का चौथा स्तंभ है, देश का ऐसा नोटबंदी में कोई उद्योगपति लाइन में लगा हो? बिल्कुल नहीं लगा। को लगा उद्योगपति? कोई बिजनेसमैन लगा बड़ा सा? कोई नेता लगा ना? कि उन लोग के पास पैसा ही था क्या? सारा पैसा पहले हो गया था। अब आइए, उनको 1 लाख हर साल हर गरीब परिवार को, महिला को मिलेगा। नारी न्याय, कर्ज माफी। अब आज ये किसानों की बात करते हैं, जो किसानों का 700 किसान इनके लिए, इनकी जिद पे शहीद हो गए, जिन्हें संवेदना व्यक्त नहीं की, जो किसानों, जो हम किसान भाई को कहते थे अरे वो तो खालिस्तानी है, अरे वो तो पाकिस्तानी है, अरे वही सिख हैं वो, जो सबसे पहले देश में आपदा होती है जो लंगर चलाने का काम करते हैं, सरहद में रहते हैं वही सिख भाई, उनको कहते हैं खालिस्तानी पाकिस्तानी। वहां पे भी आप देखिए किसानों को तो 2000 देने का काम कर रहे हैं, क्या देने का, 500 रुपए दे रहे हैं। एक मिनट क्या देने का काम किया? MSP पे किसान ने कहा, न्यूनतम मिल पे, अभी तक वो वादा पूरा नहीं हुआ, अभी तक वो वादा पूरा नहीं, अभी भी किसान भाई बैठे हुए हैं बॉर्डर पे, बैठे हुए ना। अब आज उनको न्याय देना। अब आज ये मजदूरों की बात करते हैं, जो रोज कमाते खाते हैं, उनके लिए 400 रुपये प्रति दिन कम से मनरेगा में भी उनको देने का सरकार काम करेगी। अब आज ये हिस्सेदारी, कितनी देश में किससे हिस्सेदारी है, जैसे बिहार में जनगणना हुई ऐसे पूरे देश में जनगणना होगी, OBC की कितनी हिस्सेदारी है, अल्पसंख्यक कितनी, यादव कितनी, हर कास्ट की होगी, सिख की कितनी है, उस हिसाब से उनको हिस्सेदारी मिलेगी। मतलब बिहार में तो मिल ही रही है हिस्सेदारी, तो अब कांग्रेस भी हिस्सेदारी देगी। देखिए बिहार में जो महागठबंधन की सरकार बनी, अब आ जाइए, महागठबंधन की सरकार बनी, माननीय मुख्यमंत्री
नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम उप मुख्यमंत्री बने, महागठबंधन सरकार कांग्रेस में कांग्रेस भी घटक दल रही, हम लोग सब मिलकर सरकार बनाए और 10 लाख नौकरी देने का काम किया। कहाँ 10 लाख दिए? आप देखिए ना, पहली नौकरी कितने मिली? 2.5 लाख। जी नहीं, आप देखिए 4 लाख उसके बाद मिली, 2.5 लाख टोटल। सुनिए, ऐसा है, मैं टोटल का आपको ब्यौरा दे दूंगा, 9 लाख कुछ समथिंग सबको नौकरी मिली। ये तेजस्वी जी दिए, बिल्कुल महागठबंधन सरकार में नीतीश कुमार नहीं थे, बिल्कुल। अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, ऐसा है ना, अगर मुख्यमंत्री जी 17 साल क्यों चुप थे? 17 साल आपके पास नौकरी नहीं थी, 17 साल आलस से बैठे हुए थे। मतलब 2 साल में तेजस्वी जी आकर दे दिए। तेजस्वी यादव जी ने उनको पूरा कहा, दिन रात किया, उनको कहा कि जो कहा हम लोग करके दिखाएंगे, जो हमने कहा हम लोग करके दिखाएंगे। नौकरी दी ना, कहाँ से? यूपी से। यूपी से महिलाएं आई ना नौकरी नियुक्ति पत्र लेने। जब ऐसी ऐसी महिलाओं को दिया गया जिसको शिक्षा मंत्री का नाम नहीं पता, बिहार में कितने जिले हैं उसको वो नहीं पता। देखिए ऐसा वीडियो भी वायरल हुआ था। देखिए वो ऐसा, वो विभागीय चीज है, वो विभागीय चीज है, वो उसकी जाँच वो विभागीय चीज है, वो इन पे आप सरकार पे नहीं कर सकते, वो विभाग का काम है कि इनकी डिग्री से क्यों। मगर जो कहा उनके करके दिखाया, जो कहा सरकार ने 17 महीने में नौकरी सबको नौकरी देने का काम किया, जितना कहा। अगर सरकार अभी रहती क्यों चले गए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, क्यों चले गए उनके गोद में, बीजेपी गोद में क्यों चले गए? क्योंकि 40 में 40 सीट जीतना है भैया, 40 में 40 सीट जीतना है। अरे आपको डर था, आपको डर था कि देश के प्रधानमंत्री मुझे भी ना जेल भेज दें, आपको डर था कि मुझे भी ना जेल भेज दें। मगर माननीय मुख्यमंत्री आप घबराइए नहीं, ये बीजेपी है बड़का झूठा पार्टी है, इनके पेट में दांत रहता है, तो इसलिए आप जिनके साथ गठबंधन किए ना वही आपको पार्टी को खा जाएगी, आप पूरा खा के आपको फिर जेल भेजने का काम करेगी। अच्छा एक सवाल, मोदी जी कह रहे हैं 400 पार करेंगे, नीतीश कुमार कह रहे हैं 4000 पार करेंगे, कांग्रेस कितना पार कर रही है? कांग्रेस को उतना चाहिए जितना वो सरकार बना सके, कांग्रेस को उतना चाहिए कि सरकार बना दे, जो 10 साल से लोग त्रस्त है उनको न्याय देने का काम करे, युवा हो, महिला हो, किसान हो, हर वर्ग हो, जो ठगेगा, जो महसूस कर रहा है। भाई मैं कह रहा हूँ कि देश की 140 करोड़ पूरी जनता ठगी, मैं कह रहा आप उस पर क्यों नहीं बोलते हैं, आप खाली आप इस पर नहीं, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड पे क्यों नहीं बोलते हैं, बी पे कितना पैसा मिला, कोरोना काल में कितना पैसा, चंदा का कितना पैसा है, उस पर क्यों नहीं बोलते हैं? देश के प्रधानमंत्री 4 करोड़ रुपये पकड़ा है अभी तमिलनाडु में, बीजेपी के 3 कार्यकर्ता गिरफ्तार हुए हैं, अब कहाँ है CDBI और इनकम टैक्स, अब क्यों नहीं देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, अब धृतराष्ट्र की भूमिका निभाते हैं, 15 लाख का देश की जनता को की जुमला है, वो तो अमित शाह कह रहा था कि जुमला है, तो वही तो कहते हैं। ऐसा गृह मंत्री तरीपार को गृह मंत्री बनाया जो सजा याफ्ता था, जो जेल जा चुका है, उनको आपने गृह मंत्री, देश का गृह मंत्री बनाया और वो कहते हैं जुमला था, वाह, आपने खुद कहा, आपने तो खुद कह दिया। आपके गठबंधन में जो है सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, पूर्णिया लोकसभा के बात करें तो पप्पू यादव का टिकट नहीं मिला, उसके बाद पप्पू यादव जो है वहाँ से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, अब जो है वहाँ पे राहुल गांधी क्या प्रचार करने जाएंगे? देखिए ऐसा है, रहा पप्पू यादव की बात, पप्पू यादव को कांग्रेस में विलय हुआ, उन्होंने कांग्रेस में विलय किया और उसके बाद उन्होंने सीधा कर दिया बिना बोले। अब रहा वो उनसे ले ली भी, सिंबल भी ले लिया गया, जब आलाकमान को पता था इसकी पूरी बात, उनसे सिंबल भी ले लिया गया, वो अब निर्दलीय लड़ रहे हैं, वो इंडिपेंडेंट है।